गाइस कैसे हैं आप सब। एनी डिजिटल जर्नल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैंने आपको पेज बनाना बताया था फेसबुक, क्योंकि फेसबुक पे पेज कैसे बनाते हैं। उसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट फेसबुक पेज का है, क्योंकि मैं फेसबुक पेज से रिलेटेड एक छोटी से छोटी चीज जो भी होता है पेज पे वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और बाद में इस सीरीज में हम क्या करेंगे कि फेसबुक एड्स को भी कवर करेंगे। तो अभी जो है मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि फेसबुक ऐड को मतलब फेसबुक जो आपका पेज बना है उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, उसमें आपकी फोटो कैसे लगाते हैं, उसमें कवर पिक कैसे अपडेट होगी और सारी चीजें आप कैसे करोगे, उसमें अपने फोन से कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। और अगर आपको प्रोफाइल पिक्चर क्रॉप करना या रिमूव करना, पीएनजी करना कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें मैं अपने वीडियोज में कंटिन्यू बताऊंगी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपने फोन को हाथ में ले लिया है मैंने और मैं आपको स्टार्ट करके इसे दिखाती हूँ। ये आ गई हूँ मैं अपने फोन की स्क्रीन पे। ये मेरा फोन है, मैंने स्क्रीन जैसे ही फोन ऑन कर लिया है अपना, ठीक है। और फोन ऑन करने के बाद मैंने उसमें पेज बनाया था डिजाइनर एनी के नाम से, जो कि पेज पे कुछ भी नहीं था, कोई डिटेल नहीं थी। तो ये पेज अभी यहाँ पे देखिए डिजाइनर एनी के नाम से पेज आ रहा है और पूरा पेज खाली है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस पे क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके मैं इस पे वन बाय वन सारी डिटेल्स अपडेट करूंगी, और वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद जहां पे डिजाइनर एनी लिखा है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, वेलकम टू योर न्यू पेज ऐसा एक वो आएगा, मैसेज आएगा, इसको जस्ट सेव कर दो यहाँ पे और उसके बाद पेज ये ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिजाइन जो प्रोफाइल पिक्चर जहाँ पे डी लिखा है वहाँ प्रोफाइल पिक्चर लगता है, जहाँ पे एड कवर फोटो लिखा है वहाँ पे आपकी पूरी कवर फोटो लगती है, ठीक है। इन दोनों का साइज डिफरेंट होता है, जैसे कि जो आपकी यहाँ पे कवर फोटो लगेगी ना, जहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर लगाना है इसके लिए आप क्या करोगे, एक कैमरे जैसा आइकन बना है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सेलेक्ट करना है प्रोफाइल पिक्चर, इम्पोर्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम, जैसे कि आपका अगर इंस्टाग्राम कोई इस अकाउंट से आप कनेक्ट कर चुके हो तो आप वहां से कोई ना कोई प्रोफाइल पिक्चर इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सेलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर, जैसे ही आप सेलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करोगे पहले तो एड फ्रेम का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं एड फ्रेम से बताती हूँ। एड फ्रेम के ऑप्शन में आप देखोगे सर्च फ्रेम्स, कुछ सर्च कर रहा है, आप देखिए इसमें क्या आ रहा है। जैसे ही फेसबुक के पास में आना है ऐसा सर्कल बन के आ रहा है पूरा अच्छे से, इसी तरीके के यहाँ पे कुछ आइकन सर्च करके कुछ फ्रेम्स बना के बने बनाए प्रीडिफाइंड फ्रेम्स होंगे उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं बेटर टुगेदर का कर सकती हूँ, लव द अर्थ कर सकते हैं, पीस ऑफ अर्थ कर सकते हैं, लव यू यूनाइट्स अस कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे पहला कर दिया मैंने, देखिए लव का कर दिया है एक, तो ये ऐसे बन के आ जाएगा, हैंड बन के आ रहा है, ठीक है। ये कुछ अलग अलग ऑप्शन है, ये आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आपको जरूरत हो तो, मुझे नहीं है तो मैं इसे बैक कर रही हूँ। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, सेकंड सेलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर करती हूँ। सेलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर करते ही आपको ये गैलरी में ले जाएगा, गैलरी में ले जाएगा। जैसे ही आप गैलरी पे जाओगे आपको क्या करना है, ये आपके फोन की गैलरी होती है, यहाँ पे कैमरा रोल में जाना है मुझे। मैं कैमरा रोल में जाके मैं क्या करती हूँ कि मैं एक फोटो ले लेती हूँ जो कि मेरी कंपनी की फोटो है, आज मैंने अम्बेडकर जयंती पे बनाई थी, मैं उसी को ले ले रही हूँ, ठीक है। ये मैंने अम्बेडकर जयंती से रिलेटेड एक पोस्ट बनाई थी, मैंने उसे ही अभी के लिए सेलेक्ट कर लिया है, ठीक। और इसके बाद इसको मेक टेम्परेरी कर दे रही हूँ मैं अभी के लिए, क्योंकि ये मेरा ऐसे ही है, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के लिए साइड में देखिए क्रॉप का ऑप्शन दे रहा है, क्रॉप पे जाइए और इसे आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ साइड में ब्लू बटन पे आप ऐसे क्लिक करोगे, ऐसे हाथ से इसे जूम इन जूम आउट करके आप इसे सेट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे डन कर दे रही हूँ, फ्रेम मुझे ऐड नहीं करना तो ये मैं इसे सेव कर दे रही हूँ। उसके बाद आया ऐड कवर फोटो। कवर फोटो करने के बाद हम जैसे ही कवर फोटो पेज पे भी सेम वही आ रहा है कि कवर एवेटर फोटो आ रही है, जिसपे कि मैं कुछ बने बनाए यहाँ पे कुछ क्रिएट करके डाल देती हूँ। एक सेकंड आप देखिएगा, एवेटर में क्या होता है कि आपको यहाँ पे कुछ क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट, जैसे मैं ये कलर टोन ले लिया, ये मैंने कोई भी यहाँ से फोटो ले ली, ये ले ली मैंने, ठीक है। इसको डन कर दिया, सेव चेंजेस करके अभी के लिए एक मेरी ये कवर फोटो प्रोफाइल पिक्चर डन हो गई है। इसे नेक्स्ट कर देते हैं, यूज एवेटर इन कैव कमेंट्स, ये कहीं भी आप यूज कर सकते हो, इसे डन कर देते हैं। ये देखिए एक अच्छा सा कवर पिक बन के आ गया है यहाँ पे, बहुत प्यारी सी मतलब कवर पिक। ये वाली जो थीम है ना, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग से सर्च कर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ले सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत प्यारा लग रहा है एकदम ग्रीन कलर का एकदम अच्छे से। तो मैं इसे कंटिन्यू कर देती हूँ, मेरी कवर पिक और प्रोफाइल पिक्चर का काम यहाँ पे
हो गया, मैं इसे सेव कर दे रही हूँ। अब देखिए पेज थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगा है, रेफरेंस करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये अपलोड हो रहा है, ये देखिए ये अपलोड हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अभी हाउ हेल्दी इज योर पेज, अभी मेरे पेज पे जो है ना पेज हेल्थ जो है वो फेयर है, मतलब बहुत कम ही है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अपने पेज को प्रॉपर कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, ठीक है। राइट अ वेलकम पोस्ट, सो राइट अ वेलकम पोस्ट में लिख देती हूँ वेलकम टू डिजाइनर एनी न्यू पेज। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, न्यू पेज, और इसे यहाँ पे शेयर कर दो। पहला तो ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, मुझे इसमें ये एक तो ये ऑप्शनल भी होता है, इसमें कोई जरूरत नहीं कि आपको करना ही है, ठीक है, बट मैंने कर दिया यहाँ पे अभी के लिए। राइट अ वेलकम पोस्ट हो गया मेरा। इनवाइट फ्रेंड्स टू लाइक योर पेज, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी आपके अकाउंट्स पे फ्रेंड्स हैं उन्हें इन्वाइट कर सकते हो आप यहाँ से। इन्वाइट करने से क्या होगा ना कि आपके पेज को जल्दी ग्रोथ मिल जाएगी, क्योंकि जो आपको जानते हैं वो तो ऑलरेडी उसे लाइक कर ही लेगी, ठीक है। बट मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ से इसे बैक कर देती हूँ। इसके बाद सीमोर का ऑप्शन है, सीमोर पे आइए, लिंक टू योर वेबसाइट, अपडेट योर लोकेशन, एड योर फोन नंबर, ये डिटेल्स आपको फिल करनी है जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ डिटेल्स मैंने फिल कर दी हैं ऑलरेडी, तो वहां पे वो ग्रीन बन के आ रहा है, जो नहीं हुई है वो अभी मैं फिल करने वाली हूँ या बाद में कर दूंगी, ठीक है। सीमोर के बाद जैसे हम सीमोर से पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, ये अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर लेना सारी डिटेल्स अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। इसके बाद आते हैं पोस्ट पे, पोस्ट अभी कुछ है ही नहीं क्योंकि अभी कुछ किया नहीं है, ठीक है। इसके बाद अबाउट सेक्शन आप देखो, अबाउट सेक्शन में आपने जो भी डिटेल्स ऊपर फिल की होगी वो यहाँ पे लिख के आ जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, फोन नंबर डाल दिया, ये सारी चीजें ना आपके प्रोफाइल अबाउट सेक्शन में आ जाएंगी, सब यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे पेज किस डेट पे क्रिएट हुआ है वो भी दिखता है और सारी चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है। और इसके बाद इसे मैं बैक करती हूँ, यहाँ पे फोटोज का ऑप्शन है, फोटोज में वही फोटोज आती है जो आप अपने पेज पे अपडेट करते हो। इसके बाद रील्स है, अगर कुछ रील्स से रिलेटेड आप डालते हो तो वो भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इतना आज के लिए बस इतना ही होगा इस वीडियो में। मैं आपको प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट करना, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट करना भी बताऊंगी, कवर पिक्स बनाना भी बताऊंगी कि आप कैनवा से कैसे इसे बना सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही था कि प्रोफाइल पिक्चर कैसे ऐड करते हो और डिटेल्स कैसे फिल की जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है आपको, जहाँ पे आप अपने सारे सोशल अकाउंट्स को एक ही जगह पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए इतना कुछ, मतलब नया नया कुछ ना कुछ लेके ही आने वाली हूँ आगे, तो होप आप सबका भी, आप सबको अच्छा लग रहा हो, कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।